हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी नेट जेआरएफ एग्जाम की जो रिजल्ट है उसका इंतजार कर रहे होंगे। आज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार जो आपका रिजल्ट है एक या दो दिन में आने वाला है, तो आप बेफिक्र हो जाए। रिजल्ट जैसा भी हो आपको निराश नहीं होना है और अपने जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट जो गोल है, उसी दिशा में अपने आप को मोटिवेट करना है और कार्य करते रहना है। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले नगरीय आकारिकी एवं उससे कार्यात्मक विश्लेषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी दोस्तों को आपको ये वीडियो शेयर करना है। तो जो जो दोस्त जुड़ रहे हैं हमारे से, सभी को ये वीडियो शेयर कर दें। अब नगरीय आकारिकी और उससे कार्यात्मक विश्लेषण से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें पांच महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? पांच महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जो है वो कौन सा है? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। फिर आपके पास आता है दूसरा खंड सिद्धांत, सेक्टर थ्योरी। और तीसरा सिद्धांत है बहुनाभिकीय सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियस थ्योरी। चौथा जो सिद्धांत है वो कौन सा है? संयुक्त वृद्धि सिद्धांत, फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी और लोरी का मॉडल है। ये पांच महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। हम इन सभी पांचों का अध्ययन है वो डिटेल से करेंगे, विस्तार से इन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहला जो मॉडल है, पहला मॉडल कौन सा है? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। आज इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। आज हम जानेंगे संकेंद्रीय वलय सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत है क्या, किसने इस सिद्धांत को दिया था, कब दिया था और कब इसमें संशोधन की भी आवश्यकता महसूस हुई थी या नहीं थी, तो इस सभी सिद्धांत के बारे में हम पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत या पेटी सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? बर्गेस ने दिया था। किसने दिया था? बर्गेस ने दिया था। कब दिया था यह भी महत्वपूर्ण है। कब दिया था उन्होंने यह सिद्धांत? 1927 में दिया था। कब दिया था? 1927 में। कहीं कहीं पर 1923 भी लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 1927 इसमें सही माना जाता है मोस्टली। अब इस सिद्धांत को हम नगर के संरचनात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत भी कहते हैं और इसे नगरीय संरचना का पारिस्थितिक सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा जाता है। नगरीय संरचना का इकोलॉजिकल मॉडल भी इसे कहा जाता है। ये सिद्धांत है शिकागो नगर के अध्ययनों पर आधारित था। उससे अध्ययनों पर से बर्गेस ने यह सिद्धांत है वो दिया था। बर्गेस कौन थे, कब इनका जन्म हुआ? तो ईडब्ल्यू बर्गेस 1886 से 1966 तक इनका जीवन चला और इसमें इन्होंने ऑन्टेरियो में इनका जन्म हुआ था। कैनेडियन अमेरिकन ज्योग्राफर थे, नहीं अर्बन सोशलिस्ट थे। ये कैनेडियन अमेरिकन अर्बन सोशलिस्ट थे और इनका जो अध्ययन का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन सा था? शिकागो शहर था। अब इसमें ये करते क्या है, बताते क्या है? ये 24वें प्रेसिडेंट रहे अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एसोसिएशन के। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे सोशियोलॉजी का बाइबल भी कहा जाता है, उसका बाइबल भी इसे कहा जाता है, यानी उसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पार्क और बर्गेस ने मिलकर ये लिखी थी। 1923 में आई थी ये पुस्तक। कब आई थी? 1923 में। महत्वपूर्ण पुस्तक है, ज्योग्राफी में पूछी जा सकती है। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने लेख लिखा था द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 में और अर्बन एरियाज 1929 में। तो ये जानकारी थी बर्गेस के बारे में, महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आ जाते हैं हम सिद्धांत पर, कौन सा? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। ये सिद्धांत शिकागो नगर के अध्ययन करते बर्गेस ने दिया था 1927 में और इसमें थोड़ा बहुत संशोधन है, वो कब किया? 1929 में। तो 1929 में इसमें संशोधन करते हैं और ये सिद्धांत कब देते हैं? 1927 में। ये क्या बोलते हैं, जैसे जैसे नगर का विकास होता है
जैसे जैसे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है उसका विस्तार बाहर की ओर होता जाता है। तो बाहर की ओर जब विस्तार होगा वो बड़ा बनेगा नगर, तो वो किस दिशा में बनेगा, कौन से प्रतिरूप में बनेगा, तो वो था अरीय रूप में, रेडियल फॉर्म में उसका विस्तार होता है। रेडियल फॉर्म में क्या है, नगर का विस्तार होता है, नगर चारों ओर केंद्र से चारों ओर अरीय रूप में है, वो रेडियल फॉर्म में वृद्धि करता है। अब रेडियल फॉर्म में वृद्धि करते हुए बर्देश से बोलते हैं कि वो जो नगर है वो पांच पेटियों का निर्माण करता है, पांच जोन बनाता है, पांच वलय है वो बनाता है, जिनमें एक जैसी समान विशेषताएं पाई जाती है। पहली पेटी कौन सी है, पहली है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिसे हम सामान्य रूप से सीबीडी के बारे से नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी। तो पहली और आंतरिक पेटी यानी शहर के सबसे प्रमुख भाग पर जो पेटी होती है वो कौन सी होती है, सीबीडी। फिर उससे चारों ओर संक्रमण पेटी होती है, जोन ऑफ ट्रांजिशन। फिर है कार्यशील लोगों के लिए रिहायशी मकान, श्रेष्ठतर आवासों की पेटी और अभिगमनकर्ताओं की पेटी। ये पांच पेटियां है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है, अभिगमनकर्ताओं की पेटी पाई जाती है। अब इन सभी एक एक पेटी की विशेषता हम जानते हैं, एक एक जोन के बारे में जानते हैं, एक एक रिंग के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले बर्देश क्या बोलते हैं कि नगर का जो विकास है, नगर का जो डेवलपमेंट है, एक प्रमुख स्थान पर अनुकूल दशाएं मिलने की वजह से होता है। अनुकूल दशाएं कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारा जो भी सिटी में आप रह रहे हैं या आप ग्रामीण एरिया में भी रह रहे हैं, तो उस एरिया के पास में कोई ना कोई सिटी है और उस सिटी की एक ना एक विशेषता जरूर होती है और उस विशेषता से संबंधित लोग वहां पर एकत्रित होते हैं और उसे फेमस करते हैं और वो क्षेत्र उस शहर का क्या बन जाता है, सीबीडी बन जाता है। जैसे सभी गांवों में या शहरों में चौपड़, जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें हम मैदानी इलाकों में, तो चौपड़ प्रमुख है, वो चौपड़ ही क्या है, मेन वहां का सीबीडी है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो एक नगर का विकास वहां पे होता है इस अनुकूल दशा मिलने पर, तो सीबीडी इसे ही बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहां से व्यापार चलता है, जहां से प्रमुख व्यापार चलता है, तो सीबीडी यहां पर अवस्थित होता है नगर के सबसे आंतरिक भाग में, केंद्र में यह अवस्थित होता है। अब सीबीडी के बारे में बर्देश क्या बताते हैं, बर्देश ही बताते हैं कि सीबीडी जो है, ये सीबीडी है, ठीक है, ये क्या है, सीबीडी है। इस सीबीडी में भी दो पेटियां पाई जाएंगी, कितनी पेटियां, दो पेटियां। कैसे, एक भाग होगा आंतरिक भाग यानी अंदर वाला भाग और एक भाग होगा बाहर वाला, ये पहला और ये दूसरा, अंदर वाला और बाहर वाला, इनर और आउटर। जो इनर है यहां पर भी बिजनेस होगा और जो आउटर है उसमें भी बिजनेस होगा। इनर में कौन सा बिजनेस होगा, रिटेल वाला बिजनेस होगा, कौन सा, रिटेल यानी खुदरा व्यापार होगा यहां पर। और जो आउटर है उसमें कौन सा होगा, थोक वाला व्यापार यानी बल्क वाला, बल्क बिजनेस होगा, कौन सा, बल्क, ये यहां पर बिजनेस पाया जाएगा। यानी इनर कोर में आपको क्या मिलता है, खुदरा व्यापार, और आउटर में बल्क वाला बिजनेस आपको देखने को मिलता है। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर हमने तो यही सुना है कि इनर में है या नगर के केंद्र में है वो खुदरा, वो बल्क वाला बिजनेस ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो व्यापार करने के लिए जाएंगे, खरीदारी करने के लिए जाएंगे, तो वो सेंट्रल में जाएंगे और सेंट्रल में आपको हमेशा रिटेल वाली दुकानें मिलती है और उन रिटेल वाली जो शॉप है उनके चारों ओर आपको है वो बल्क वाला बिजनेस से मिलता है। उस रिटेल के चारों ओर आपको बल्क बिजनेस है वो मिलता है। फिर दूसरा, इस सीबीडी में व्यापारी होते हैं, व्यापार इसकी प्रमुख विशेषता है, प्रथम पेटी है। इस सीबीडी में क्या होता है, दिन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और रात में यह सुनसान हो जाता है। दिन में क्या रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे पाई जाती है और रात में यह सुनसान हो जाता है, ठीक है।
इसे डाउनटाउन क्या कहते हैं, डाउनटाउन, इसे डाउनटाउन कोर भी कहा जाता है, डाउनटाउन भी कहा जाता है, कोर भी कहा जाता है। इसे शिकागो शहर में लूप कहते हैं, शिकागो शहर में इसे क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। और न्यूयॉर्क में इसे क्या कहते हैं, शिकागो में क्या कहते हैं, लूप। लूप तो लिख दिया, कौन सा, शिकागो शहर में इसे लूप कहते हैं। और अगर हम बात करें न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में इसे डाउनटाउन एंड अपटाउन, अपटाउन भी कहा जाता है, डाउनटाउन और अपटाउन भी। अगर इसकी बात करें हम पिट्सबर्ग में, पिट्सबर्ग में इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन टाउन, कौन सा टाउन, गोल्डन टाउन भी कहा जाता है। पिट्सबर्ग में इसे गोल्डन टाउन भी कहा जाता है। तो ये मुख्य विशेषताएं पाई जाती है इस पेटी की। निवासी क्षेत्र है, यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं, व्यापार के लिए आते हैं और व्यापार करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। तो ये प्रमुख यहाँ की विशेषताएं पाई जाती है। तो सीबीडी है, प्रमुख है, कोर है, और इसे डाउनटाउन भी कहा जाता है, इसे लूप भी कहा जाता है शिकागो में, इसे न्यूयॉर्क में डाउनटाउन और अपटाउन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इससे बात करें पिट्सबर्ग में, तो इसे गोल्डन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था सीबीडी। सीबीडी के सेंटर में पाया जाता है खुदरा व्यापार, रिटेल, और उससे जो बाहरी भाग है उसमें पाया जाता है बल्क वाला सिस्टम। तो ये सीबीडी आपको मिल गया। सीबीडी से बाद में जो दूसरी पेटी आती है वो कौन सी है, संक्रमण पेटी। कौन सी पेटी, संक्रमण पेटी हमें यहां पर प्राप्त होती है, जोन ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण पेटी हमें प्राप्त होती है। अब संक्रमण पेटी कहां पे मिलेगी, ये वाली पेटी, ये वाली पेटी कौन सी है, संक्रमण पेटी मिलती है। अब ये संक्रमण पेटी भी बर्देस ने दो भागों में बताया है, कौन से भागों में, दो भागों में। ये तो गया है आपका, सॉरी, ये वाला एरिया तो आपका हो गया सीबीडी, और ये वाला एरिया कौन सा है, संक्रमण पेटी वाला एरिया है, ठीक है। अब इस संक्रमण पेटी में भी दो भाग है, ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर। तो ये वाला भाग आपका इनर कोर मान लेते हैं और ये वाला भाग आउटर कोर मान लेते हैं। इनर कोर में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, यहां पे हल्के औद्योगिक निर्माण उद्योग पाए जाते हैं, ठीक है, यानी जो उद्योग सीबीडी के लिए महत्वपूर्ण है, सीबीडी को सहायता देते हैं, सीबीडी जिनका व्यापार करता है महत्वपूर्ण रूप से, वो उद्योग यहां पर पाए जाते हैं। जैसे किसी नगर की जो विशेषता है सीबीडी है, वो डिपेंड करता है वहां से सूती वस्त्र उद्योगों पर, उसकी रंगाई छपाई पर। तो ये जो आपका संक्रमण क्षेत्र की प्रथम पेटी है, उसमें रंगाई छपाई की मिलें पाई जाएगी, सूती वस्त्र निर्माण की मिलें वहां पर बड़े स्तर पर पाई जाती है। अब बात करते हैं हम दूसरी पेटी की, तो दूसरी पेटी में रहते हैं कौन, आवासीय क्षेत्र यहां पर पाया जाता है, आवासीय क्षेत्र इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी पेटी में कौन सा पाया जाता है, आवासीय क्षेत्र, जहां पर लोग ज्यादातर क्या रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं। और ये जो आवास पाए जाते हैं वो किन से पाए जाते हैं, शहर से जो मूल निवासी थे, जिन्होंने शहर बसाया या शहर से प्रारंभिक बसने के समय से वहां पर रह रहे हैं, वो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। और इन लोगों में प्रवृत्ति कौन सी पाई जाती है, इन लोगों में प्रवृत्ति पाई जाती है, जो यहाँ के मूल निवासी है उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे छोड़कर बाहरी पेटियों में बसने की पेटी जो विशेषता है, प्रवृत्ति है, वो इन लोगों में पाई जाती है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, आवासीय पेटी होती है ये, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये कौन सी पेटी है, सेकंड पेटी, और ये कौन सी पेटी है, प्रथम,
ठीक है, ये प्रथम है और ये द्वितीय पेटी है। इस पेटी में अपराधीकरण भी ज्यादा पाया जाता है, प्रदूषण भी ज्यादा पाया जाता है, इसी वजह से यहाँ से जो मूल निवासी है जो अफोर्ड कर पाते हैं वो यहाँ से बाहर की ओर जाने का प्रयास है वो करते हैं। इसी सीबीडी का 64B कहा जाता है। इस पेटी को क्या कहा जाता है? इस पेटी को सीबीडीपी 64B कहा जाता है। तो ये विशेषता थी, दूसरी पेटी थी महत्वपूर्ण, यह भी पेटी है। फिर आ जाते हैं तीसरी पेटी पर, मुख्य कामगारों की पेटी। तीसरी पेटी कौन सी है? मुख्य कामगारों की पेटी है, वो तीसरी पेटी पाई जाती है। यहां पर दिया है वे लोग जो कार्यशील रहते हैं, मजदूरी करते हैं, किसमें? सीबीडी में या हल्के विनिर्माण उद्योगों में, वो यहां पर रहते हैं। ठीक है, इस पेटी में न्यूयॉर्क शहर में 2 मंजिला इमारतें पाई जाती है, यही इस पेटी की विशेषता है। चलिए फिर आ जाता है चौथी पेटी। चौथी पेटी कौन सी है? श्रेष्ठतर आवासीय मकानों की पेटी, जोनो बेटर रेजिडेंस, ये आ जाती है हमारे पास चौथी पेटी। और इस पेटी में जो क्लर्क हुए, जो बड़े व्यवसायी हुए, सरकारी ऑफिसर हुए, वो बिजनेसमैन हुए, मैनेजमेंट वाले हुए, वो यहां पर निवास करते हैं, प्रदूषण से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, और सीबीडी से भी दूर रहते हैं। ठीक है, वो यहां पर निवास करते हैं। इनमें बड़े बड़े बंगले मिलते हैं इन क्षेत्रों में, होटल्स इन क्षेत्रों में मिलती है। साथ ही साथ आपको पता हो तो जैसे सिविल लाइन्स है, किसी भी एरिया में जो सिविल लाइन्स है उसमें भी अपना एक अलग से क्या पाया जाता है? व्यापारिक क्षेत्र पाया जाता है, छोटा व्यापारिक क्षेत्र। तो इस पेटी में जो पांचवी पेटी है उसमें उप व्यापारिक क्षेत्र भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उप व्यापारिक क्षेत्र भी पाया जाता है, अपना एक छोटा व्यापारिक क्षेत्र पाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि ये बार बार दिन प्रतिदिन की सेवाएं लेने सीबीडी में आएंगे, नहीं आएंगे सीबीडी में, ये रोज नहीं आते। तो इसमें उपनगरीय व्यापारिक क्षेत्र भी पाया जाता है, बहुमंजिले इमारतें इसमें पाई जाती है। फिर आ जाते हैं पांचवी पेटी पर, वो कौन सी है? अभिगमनकर्ताओं की पेटी से बोलते हैं। कौन सी पेटी? अभिगमनकर्ताओं की पेटी से कहा जाता है पांचवी पेटी। ये पेटी आपको कौन सी आ जाएगी? पांचवी पेटी। तो पहली पेटी इसे हम नंबर दे देते हैं, नंबर कौन से कलर से दें? ये वाला इसमें यूज नहीं हुआ। पहली सीबीडी हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अभिगमनकर्ताओं की पेटी। यानी इसमें लोग अनुसंधी नगर, सैटेलाइट टाउन्स, उपनगरी आदि क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। यहां से लोग हैं वो प्रवास करते हैं, अब सुबह चलते हैं सीबीडी तक जाते हैं या द्वितीय क्षेत्र में कार्य करने जाते हैं और वापस दोबारा यहां पर आकर सो जाते हैं, शाम को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो इसलिए इसे शयन नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शयन नगर भी कहा जाता है, शयन नगर भी इसे कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है इस आधार पर इन्होंने 5 भागों में इसे बांटने का क्या है? प्रयास किया है। अब बरदेश का एनालिसिस चालू होता है। तो बरदेश का बोलते हैं कि जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे आप सीबीडी से दूर जाते जाएंगे, सीबीडी से क्या दूर जाते जाएंगे, वैसे जैसे मकानों का जो घनत्व है ना, उसमें क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तो यहाँ पे मकान ज्यादा पाए जाएंगे यहाँ पे दूर दूर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पांचवी पेटी में मकान कौन से पैटर्न पे होंगे, अधिवास कौन से पैटर्न पे? प्रकीर्ण प्रकार के अधिवेश पे पाए जाते हैं, प्रकीर्ण यानी दूर दूर। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। साथ ही साथ जैसे जैसे आप सीबीडी से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप सीबीडी से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे स्वयं के जो मकान है,
स्वयं से मकान में रहने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत क्या है, बढ़ता जाएगा। तो हमने से आप बोला था जो दूसरी पेटी है, तीसरी पेटी है, इनमें लोग किस पे रहते हैं, रेंट पर रहते हैं। कहां पे रहते हैं, रेंट पर रहने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जैसे आप पांचवी पेटी पे आओगे, शयन नगर में आओगे, यानी उसका स्वयं का घर है, इसीलिए तो वह रोज अपडाउन कर रहा है, अपडाउन माने सीबीडी में जा रहा है और वापस आ रहा है, ठीक है। तो स्वयं से घर होने की संभावना भी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप सीबीडी से दूर जाते जाते हैं, स्वयं से नगरों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। साथ ही साथ आप सीबीडी से सीमावर्ती क्षेत्र की ओर जाते हैं तो महिला पुरुष अनुपात है, जो लिंगानुपात है, उसमें भी क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। वो भी क्या है, सुधार उसमें होने लगता है। सीबीडी में हमें पता है कौन आते हैं, कार्यशील जनसंख्या, और कार्यशील जनसंख्या जब ग्रामीण क्षेत्रों से आती है तो वो पुरुष प्रधान होती है, यानी पुरुष ही क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। माइग्रेशन वाली थ्योरीज में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले अगर प्रवास करना हो ग्रामीण क्षेत्रों से तो सबसे पहले कौन करता है, पुरुष करता है, और अगर वो सेटल हो जाता है तो उसका परिवार फिर वहां शहरी क्षेत्रों में आता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष आएगा तो यहां पर सीबीडी दूसरी पेटी इनमें क्या होगा, जो महिला पुरुष अनुपात है उसमें बहुत ही ज्यादा आ जाती है, गिरावट आ जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम पता है कि जैसे जैसे सीबीडी से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसमें सुधार होता जाएगा। अपराधीकरण की बात करते हैं तो अपराधीकरण भी क्या है, सीबीडी की ओर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप सीबीडी से दूर जाते जाएंगे अपराधीकरण की प्रवृत्तियों में भी क्या आता जाता है, सुधार आता जाता है। तो ये पांच छह चीजें हैं जिनसे बारे में बर्देश ने डिटेल से बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये जो विश्लेषण किया वो किस आधार पर किए, सारे विश्लेषण हमने सामाजिक आधार पर किए, सामाजिक डाटा से आधार पर किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्देश का जो मॉडल था वो सामाजिक आंकड़ों पर आधारित था, सामाजिक जो प्रतिरूप है उसका विश्लेषण वह करता है, सामाजिक प्रतिरूपों का विश्लेषण है वो बर्देश करता है। अब बर्देश के मॉडल के बारे में दो तीन विद्वानों की राय भी हम जान लेते हैं, जैसे पीटर हेजेट है ना, इसमें यहां पर लिख लेते हैं कौन सा, पीटर हेजेट। तो पीटर हेजेट क्या बोलते हैं, पीटर हेजेट पीटर हेजेट क्या बोलते हैं, लेटिन अमेरिकी जो देश है, लेटिन अमेरिकी देश दक्षिण अमेरिका के देश है ना, तो लेटिन अमेरिकी जो देश है उन देशों के अंदर बर्देश का जो मॉडल है वो नगरीय प्रतिरूप में तो शामिल होता ही होता है, नगरों का विकास है वो बर्देश के मॉडल के आधार पर ही होता है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह प्रतिरूप देखने को मिलता है। नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में आपका यह प्रतिरूप लेटिन अमेरिकी देशों में देखने को मिलता है। यानी पीटर हेजेट ने बर्देश के मॉडल की सराहना की है, उसे अच्छा बताया है और लेटिन अमेरिकी देशों पर लागू होता है यह चीज भी उन्होंने बताई है। बाद में आते हैं दूसरे स्क्रीन, क्वीन क्या बोलते हैं कि लेटिन वो सॉरी बर्देश का जो मॉडल है वो अच्छा मॉडल है और सभी नगरों का जो विकास है प्रारंभिक रूप से इसी दिशा में माना जाता है, मोटे तौर पर जो अधिकांश जो नगर है वो इसी तरह डेवलप होते हैं। फिर एक तीसरे विचार है, विद्वान है कौन से, आर ई डिकिंसन, ये क्या बोलते हैं कि बर्देश का जो मॉडल है वो सभी पर लागू नहीं होता है, आलोचना ये करते हैं और ये बताते हैं कि जो पेरिस नगर है, पेरिस नगर का जो विकास है वो वृत्ताकार रूप से नहीं है, एक वलयाकार रूप में नहीं है, बल्कि अष्टभुजा या तारानुमा विकास उसका हुआ है। कैसे हुआ है, तारानुमा उसका विकास माना जाता है। तो ये था दोस्तों बर्देश का मॉडल, आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है, महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है, किसने दिया था, बर्देश ने दिया था, और कब आया था, 1927 में आया था,
और इस सिद्धांत में पांच पेटियां इन्होंने मानी है। कौन सी पेटियां मानी है? पांच पेटियां मानी है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र सीबीडी, संक्रमण पेटी, कार्यशील लोगों की रिहायशी मकान, श्रेष्ठतर आवासों की पेटी, अभिगमनकर्ताओं की पेटी। और इन पांचों पेटियों का विश्लेषण करने के बाद ये बताया है कि नगर में जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, जैसे आपराधिकरण हुआ, स्वयं से मकान हुए, किराए पर रहने वाले मकान हुए, स्त्री पुरुष अनुपात हुआ और जन्म दर हुआ, इन सब में किस तरह से परिवर्तन आता जाता है, ये सारी चीजों का वर्णन कौन करते हैं? बर्गेस अपने मॉडल में करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इनकी आलोचना भी की है, साथ ही साथ अनेक विद्वानों ने इनके समर्थन में भी पक्ष दिया है। तो आई होप आप सभी को यह मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम मॉडल पढ़ेंगे नगरीय आकृति से संबंधित, वो कौन सा है? होमर होयर का खंड सिद्धांत है, सेक्टर थ्योरी है, ठीक है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कब यह सिद्धांत आया? 1939 में आया। कब इसमें संशोधन हुआ? 1964 में इसमें संशोधन होता है। तो 142 शहरों के अध्ययन पर यह आधारित है। कौन सा सिद्धांत? खंड सिद्धांत। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है शेयर करना, जरूर से शेयर करना, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही बढ़िया कंटेंट आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में जो आप नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए वैल्यूबल क्लासेस शामिल हो, आई होप यही हम उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ जो हमने 3000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चलाई थी एग्जाम 2021 के लिए जेआरएफ, जो 5 जनवरी को हुआ, उसमें लगभग बहुत से क्वेश्चन है वो उसमें मिले हैं। तो जून 2022 की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मार्च से ही हम वो सीरीज दोबारा से प्रारंभ करेंगे, और भी अच्छी तरीके से प्रारंभ करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो सभी लोग हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? सेक्टर थ्योरी, फंड सिद्धांत उसमें पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।